नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 80 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र के नवोदय विद्यालय में कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा अनुष्का पांडे की संदिग्ध मौत उसी के हॉस्टल में हो गई थी, जिसके बाद स्कूल प्रशासन उसको जिला अस्पताल लेकर आया था। लापरवाह स्कूल प्रशासन ने इसकी सूचना ना घर वालों को आरोप है कि हमें अस्पताल पहुँचे किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इसकी सूचना मिली, जिसके तत्काल बाद हम लोग अस्पताल पहुँचे, जहाँ हमारी बच्ची मृत अवस्था में लावारिस की तरह पड़ी हुई थी, जिसके बाद नाराज परिजनों ने स्कूल पहुंच वहां तोड़फोड़ भी जमकर की। इस सूचना पर मौके पर जिलाधिकारी मैनपुरी और SP मैनपुरी ने स्कूल पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने मृत बच्ची अनुष्का पांडे के शव का पंचनामा भरकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस ने भारी दबाव के चलते परिजनों की तहरीर पर स्कूल के प्रिंसिपल, वार्डन और एक लड़के के खिलाफ मामला पंजीकृत किया है, जिसके बाद सभी तीनों आरोपी मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हैंगिंग आया है, यानी कि बच्ची ने आत्महत्या की है। इधर घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक पुलिस किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी तक नहीं कर पाई है। सीबीआई जांच या कुछ ना कुछ उसका निर्णय आना जरूरी है, नहीं तो वो पता नहीं क्या से क्या करेंगी। इसलिए उनकी सबसे पहले तो मुझे गिरफ्तारी चाहिए। पूरा प्रशासन जो भी है उनको बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसा क्यों है ये मुझे जवाब चाहिए। गिरफ्तारी चाहिए सबसे ज्यादा। प्रिंसिपल सारे कारनामे वही करा रही है वहाँ पे जो भी हो रहा है सर। तो आपका कहने का मतलब सेक्स रैकेट भी चलाती है क्या प्रिंसिपल? मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों से मैंने सुना है गलत काम होता है उस स्कूल में, गलत काम होता है और ये सारी कुछ जो वहाँ की प्रिंसिपल है उनके द्वारा करवाया जाता है। तो इसका जो है ना उसने विरोध किया आपकी पुत्री ने? इसलिए उसने कुछ किया है, कुछ उसको पता चला है इसलिए उसका मर्डर किया गया है। कुछ गलत काम किया गया है उसके साथ प्लस उसका मर्डर किया गया है। क्योंकि जो जहाँ पे ये लटकी हुई थी उसकी लंबाई बहुत थी, बहुत ज्यादा थी। और अगर आत्महत्या करती या कोई प्रकार की उसे परेशानी होती तो वो हमको बताती तो क्या, और हर क्या, बार हमको सूचना दी जाती थी। बेटी के बारे में सूचना देने के बाद ही हमारी बेटी को वहाँ से भेजा जाता था। हमारे 3 फोन वहाँ हैं, हर फोन पर हर बार बात होती थी। सुषमा सागर ने भी कई बार हमसे फ़ोन किया और इस बार जब हमारी बेटी की हत्या कर दी गई तो हमसे बिल्कुल फ़ोन नहीं किया गया। और नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाली बेटी जिला अस्पताल में बाहर पड़ी हुई पाई गई मृत, दूसरे लोग हमको सूचना दे रहे हैं, हमारी पत्नी को, हमारी पत्नी हमको सूचना दे रही है। और ये लोग कह रहे हैं, प्रिंसिपल साहब सुषमा सागर जी कह रही हैं कि ऐसे तो बच्चे मरते रहते हैं, जरा एक अपना बच्चा ऐसे मार करके देख लें कि अगर ऐसे बच्चे मरते रहते हैं तो एक अपना भी बच्चा मार करके देख लें। और बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर ऐसी धांधली चल रही है जो कि ये उस तथ्य को छिपाने के लिए इन्होंने हमारी बेटी की हत्या कर दी। उसने अपनी माँ के लिए फ़ोन किया था। बैक रिकॉल मार रही है भाई, क्या मांग कर रहे हैं? मुझे लगता है प्रेस के बहुत मित्रियाँ मौजूद हैं, पूरे जनपद की प्रेस मौजूद है। ये माहौल जो आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में जिस तरह उत्तेलित है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे पूरा शहर, पूरा जनपद उत्तेलित है, हर आदमी आक्रोशित है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमने मैनपुरी जनपद की नहीं, हमने उत्तर प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की एक बहुत ही मेधावी छात्रा को, हिंदुस्तान के भविष्य को खोया है। अनुष्का कोई साधारण छात्र नहीं थी, अनुष्का के 93% अंक थे और कोई भी विवादित चीज या उसके चरित्र को छूकर नहीं गई थी। अनुष्का अपने परिवार का नहीं उस विद्यालय की भी शान थी। किन विषम परिस्थितियों में, किन संदेहप्रद परिस्थितियों में अनुष्का की मौत हुई ये पूरा प्रशासन जानता है। मैं प्रशासन से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने DMSP साहब से ये पूछा था
और उसका की माँ गई थी, हमारे साथ 6-7-8 लोग गए थे, हमने ये कहा, हमने उन्हें बधाई भी दी कि प्रशासन हमारे साथ खड़ा रहा, ये सही बात है। लेकिन हमें इस बात की वेदना, इस बात का दुख है कि वो हमारी पीएम रिपोर्ट में जिस तरह का फेरबदल किया गया और उसका के शरीर पर चोटों के निशान थे, अनुष्का के भाई ने, के मिश्रा ने फोटो खींची, वो फोटो उपलब्ध हैं, उन रिपोर्टों में और पीएम की रिपोर्ट में बहुत बड़ा अंतर है। ये किसकी किसके इशारे पर पंचनामे में और पीएम की रिपोर्ट में बहुत बड़ा अंतर है। मैं इस मंच के माध्यम से इन सारे लोगों की भावनाओं को देखते हुए और मैं अपनी तरफ से भी, आज सुबह हमारी पार्टी का भी बहुत बड़ा कार्यक्रम था, मैंने उस मंच से भी, अब आप क्या चाहते क्या है, क्या हम केवल ये चाहते हैं कि इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए निश्चित रूप से सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच से नीचे कि इस बहुत संवेदनशील मामले की जांच सीबीआई स्तर पर हर हाल में हो और हमारी बेटी को न्याय मिले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये आंदोलन बहुत बड़े आंदोलन के रूप में अपना रूप अख्तियार कर लेगा और पूरा जनपद नहीं, पूरा प्रदेश सड़कों पर आ जाएगा। जी जिला प्रशासन पे हमें भरोसा नहीं, इसलिए हमारी सीबीआई जांच आगे आपका कदम क्या होगा? आगे हमें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो हम दे देंगे। मैनपुरी से अमित कुमार की। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल